बेहतर से बेहतर प्रयास करो, मिले पॉलिटेक्निक तो बीटेक की तलाश करो। जैसे टूट गया है पॉलिटेक्निक, ऐसे टूट जाए एसएससी जे आरआरबी जे, ऐसे अपने में क्या है हीरा तलाश करो, ऐसे अपने में क्या है हुनर तलाश करो। नमस्कार मित्रों, राजेश मौर्या के सिलेक्शन विराज चैनल में यानी आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विराज चैनल में एक बार आपका तहे दिल से क्या है स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये चीज़ समझने वाले हैं कि सिक्स राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो कब से होगी, उसका डीबी कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, तथा फ्रीज फ्लॉट कब करने का मौका मिलेगा, वो किस डेट में होगा, तथा जो आपका फीस आप किस किस डेट में जमा करोगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने 2018 से लेकर 21 के मध्य में पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग करवाया है, उसके बीच में मैंने ना फ्रीज किया ना फ्लॉट किया था, तो वो समस्या मुझे झेलना पड़ा और मैं 2022 के काउंसलिंग से बाहर हो गया। हालांकि मुझे एडमिशन तो मिल गया नेक्स्ट राउंड में, लेकिन आप उस चीज़ को गलती ना करो, क्योंकि जेई कम में हर वो चीज़ होता है, सारी चीज़ आपका किस पर होगा, डेट पर होगा। सारी चीज़ क्या होता है, डेट टू डेट होता है, यानी अगर आप डेट छोड़ दिए तो आप पॉलिटेक्निक 2022 का नाम छोड़ दीजिए। ये चीज़ सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग होगा वो कब होगा। देखिए, जो स्टूडेंट न्यू हैं अदर स्टेट के हैं, यानी कि न्यू स्टूडेंट अगर आपने 1 राउंड से लेकर 5 राउंड तक काउंसलिंग नहीं करवाया है तो आप न्यू स्टूडेंट हो, चाहे आपने जेकब का एंट्रेंस एग्जाम दिया था या नहीं दिया था। अगर आपने 1 से लेकर 5 राउंड तक काउंसलिंग नहीं करवाया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करते हुए ₹250 आपको फीस जमा करना होगा, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको क्या करना होगा, ₹250 आपको फीस जमा करने हुए ये 6 से लेकर 8, 8-10 तक आप करवा सकते हो। यानी कि दोस्तों आप अच्छे समझ लीजिए, अगर आप एकदम नए कैंडिडेट हो, अगर आपने 1 से लेकर 5 राउंड तक क्या रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको क्या है 6, 7, 8, 3 दिन आपको मौका मिल रहा है। आप उसमें काउंसलिंग करवाते हुए ₹250 फीस जमा करिए और कॉलेज को चूज करिए, आप 10 कॉलेज चूज कर सकते हो, उसके बाद में आप लॉक कर दीजिए और आप क्या है रिजल्ट का वेट करिए। लेकिन अगर आपने 1 राउंड से लेकर 5 राउंड तक काउंसलिंग करवाया है, आपको रजिस्ट्रेशन ना दोबारा करना है, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उसी आईडी पासवर्ड को डालते हुए आपको कॉलेज चूज करना है और जो ₹250 काउंसलिंग फीस होती है उसे आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1 टाइम आपको ही देना होगा। यानी अगर आपने इसके पहले दे चुके हैं तो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो जो आपको मौका मिलेगा वो 1 दिन का ही मिलेगा, वो जो काउंसलिंग के लिए आपने अगर काउंसलिंग करवाया इसके पहले तो आप 9 अक्टूबर को क्या है आप काउंसलिंग करवा पाओगे। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। फिर जब आपका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छे से आपको समझ सकते हो, 9 से लेकर 10 तक आप करवा सकते हो, 9 से लेकर 10 तक आप करवा सकते हो अगर आपने इसके पहले क्या है रजिस्ट्रेशन किया है, है ना। अगर आपने क्या है इसके पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन जो आप जब आप काउंसलिंग कंप्लीट करवा लोगे उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा, दोनों लोग का साथ में आएगा रिजल्ट, साथ में कब आएगा 11 अक्टूबर को आएगा, 11 अक्टूबर को आप जो आपका है रिजल्ट वो आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ और अच्छे समझना होगा कि जो आपकी काउंसलिंग होगी वो 6 से लेकर 10 तक तो चलेगी, लेकिन जो इसमें 11 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो आपका फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन है इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो कॉलेज आपको अलाट हो रहा है वो आपको लेना ही लेना पड़ेगा। इसमें आपने अच्छे से एक चीज़ देखा होगा कि अभी तक 1 राउंड से लेकर 5 राउंड तक क्या होता था, हमें फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन मिलता था, यानी आपको कॉलेज अगर पसंद होता था तो आप क्या फ्रीज करते थे, कॉलेज नहीं पसंद होता था तो आप क्या करते थे दोस्तों फ्लॉट करते थे। लेकिन इस राउंड की काउंसलिंग में आपको ऐसा कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो देखिए जो आपका क्या, जैसे आपको कोई कॉलेज मिला उसमें आपको क्या है फ्रीज करने का मौका ही नहीं मिलेगा, यानी आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा और कॉल लेने के बाद में जो आपके ₹11,000 एडमिशन फीस है वो आपको जमा करना होगा। अगर आपको एडेड मिल रहा है, आपको एडेड कॉलेज मिल रहा है या प्राइवेट मिल रहा है, या एडेड मिल रहा है या गवर्नमेंट मिल रहा है, एडेड और गवर्नमेंट की जो फीसें हैं वो सबकी अलग अलग होती हैं। मैं गवर्नमेंट का बता दें 11,000 होती हैं, एडेड का लगभग में ₹20,000 आपको देना पड़ता है, 1907 रुपये,
है ना, ये आपका 20,000 रुपये मान सकते हो। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो प्राइवेट के लिए क्या होगा, आपको जो 3,000 रुपये काउंसलिंग फीस जमा होती है वो आपको ऑनलाइन देना होगा, बाकी भी जितने पैसे हैं वो आपको कॉलेज में बात करके वहाँ पर आपको क्या है ऑफलाइन सबमिट करना पड़ेगा। तो ये आपका जो डाउट हो उसे क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेश फ्लॉट का इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, जो आपका काउंसलिंग जमा जो काउंसलिंग फीस है या एडमिशन फीस है वो आपको जमा करना होगा 12 से लेकर 14 अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में आपको जमा करना होगा। यानी कि मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दिया कि न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन होगा 6-8 में होगा, काउंसलिंग प्रोसेस जो आपका 6 से लेकर 9 के मध्य 10 के मध्य में कंप्लीट हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो 11 को आएगा, और 12 13 और 14 यानी कि 13 है ना 12 13 और 14 तक आप क्या है जाकर एडमिशन वगैरह क्या है इसमें ले सकते हो। और जो मैंने बताया कि जो आपका DB होगा वो जो कॉलेज आपको अलाट हो रहा है वहीं पर आपको DB करवाना होगा, करवाना होगा। एक चीज़ इसमें और अच्छी चीज़ आपको मैं बता देना चाहूँगा, इसमें कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था तब मुझे सरकारी कॉलेज मिल रहा है, तो क्या जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था उन्हें क्या सरकारी कॉलेज में उनको भी मिलेगा? तो एक शब्दों में कहना चाहूँगा नहीं, उनको नहीं मिलेगा, उनको एडेड, उनको एडेड प्लस प्राइवेट पर ही मौका मिलेगा। जिन्होंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पार्टिसिपेट नहीं किए थे उन्हें एडेड और प्राइवेट कॉलेज पर ही मौका मिलेगा, उन्हें सरकारी कॉलेज का पार्टिसिपेट या एडमिशन लेने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तथा मित्रों अगर आपके मन में कोई भी संशय है, जैसे पॉलिटेक्निक का जो काउंसलिंग हो गया उसका एडमिशन संबंधित आपके टोटल 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं, या DB जिसे हम बोल सकते हैं, DB संबंधित आपके टोटल 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं, अब तो हालांकि 16A आपका एंटी रैंकिंग फॉर्म भी बढ़ गया है। तो अगर आप क्या है नहीं पता है तो जाकर आप हम इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो जाकर वहां से आप दे सकते हो, क्योंकि आपका एक देखियोगे इसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो एक 1 वीक से पुराना ना हो, और आय जात निवास कब का होना चाहिए, TC कैसे होनी चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं वो सारे सवाल का जवाब आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तथा मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपके जो भी संशय होते हैं वो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट या फोन के माध्यम से दूर कर सकते हो, जो भी आपके मन में संशय होते हैं। तो सिलेक्शन भी राज्य चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तथा आने वाले समय में मैं क्या है हाई स्कूल का बैच भी लाने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इस वीडियो को अपने उस पास सब्सक्राइब करके रखिए, तथा ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो आपसे छोटे हैं, जो इस समय 10th 12th 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक काउंसलिंग तो आपको चलती रहेगी, आप रिजल्ट भी इधर आ जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो आपके 2023 का बैच भी स्टार्ट करूंगा, उसके साथ में आपके क्या है हाई स्कूल के बच्चों का क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इन चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो उनके पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।